सुंदरनगर के बहुचर्चित जहरीली व नकली शराब कांड में 7 मौतें होने के बाद शुक्रवार को ग्राम पंचायत जांबला के घुराना गांव निवासी 40 वर्षीय दिलीप कुमार ने दम तोड़ दिया है। मृतक दिलीप पिछले 115 दिनों से आईजीएमसी शिमला सहित नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन था और गत रविवार को ही उसे स्वजनों द्वारा घर लाया गया था, जहाँ पर शुक्रवार शाम को उसने दम तोड़ दिया है। पुलिस द्वारा मृतक का शव कब्जे में लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। वहीं डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शराब कांड में एक 40 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया है। पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। मृतक दिलीप अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और बूढ़ी माता को छोड़ गया है।